वेलकम एवरीवन, मैं हूं दीपक छापड़ा, हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन से। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो थर्ड सेगमेंट है हमारी वर्क फ्रॉम होम सीरीज का। इस सीरीज के फर्स्ट सेगमेंट में हमने देखा था कि कैसे अर्गोनॉमिकली अपने पॉस्चर का ख्याल रख के हम पेन्स और बॉडी की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड वीडियो में हमने कुछ नेक एंड आर्म पेन्स के लिए प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस देखी थी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, शोल्डर्स और अपर बैक पेन की प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस के बारे में। जब भी हम अपना कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं या कोई भी डेस्क जॉब करते हैं तो हमारे शोल्डर्स हमेशा थोड़े से आगे की तरफ और राउंडेड रहते हैं और हमारी अपर बैक मोस्टली थोड़ी सी बेंट रहती है। इससे हम अपने शोल्डर्स के इस एरिया में, शोल्डर्स के अराउंड और अपर बैक में कुछ स्ट्रेस डेवलप करते हैं एंड उन स्ट्रेसेस से हम इन एरियाज में पेन डेवलप कर सकते हैं। तो आज कुछ इजी एक्सरसाइजेस से हम इन पेन्स को प्रिवेंट करने के तरीके सीखें। तो जो पहली एक्सरसाइज आज हम देखने जा रहे हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हम अपने अपर बैक की मोबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं और इसको, अगर हमारी अपर बैक में कुछ स्टिफनेस है तो इस मोबिलिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अपने हाथों को क्लैस्प करके अपनी नेक के पीछे रखना है और दोनों एल्बोज को जितना हो सके पास लेकर के आना है। ऐसे करने के बाद हम किसी भी वॉल को फेस करेंगे और ऐसा इमेजिन करेंगे कि हमारी दोनों एल्बोज के बीच में एक पेन या एक मार्कर है जिससे हम दीवार के ऊपर एक फिगर ऑफ एट बना रहे हैं, यानी कि आठ का आकार बना रहे हैं। तो जब इस आर्ट के आकार को बनाने के लिए हम मूवमेंट करेंगे तो इससे हमारी अपर बैक की मूवमेंट होगी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम देखेंगे उसके लिए हमें एक इलास्टिक एक्सरसाइज बैंड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में कोई स्पेसिफिक इलास्टिक एक्सरसाइज बैंड अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी इलास्टिक स्ट्रैप को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बंजी रोप या फिर कोई सिंपल घर में आपके इलास्टिक स्ट्रैप हो उसका यूज करके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से बेसिकली हम अपने चेस्ट के फ्रंट एरिया को स्ट्रेच करते हैं, इस एरिया को ओपन अप करते हैं, क्योंकि जब हम लगातार इस पॉस्चर में, राउंडेड पॉस्चर में वर्क करते हैं तो जो स्ट्रेस इन मसल्स ने डेवलप किया होता है उन स्ट्रेस को हम रिलीव करते हैं ताकि हम फ्यूचर में होने वाले शोल्डर पेन्स या अपर बैक पेन्स को प्रिवेंट कर सकें। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम उस स्ट्रैप को अपनी बैक के पीछे लेकर के जाएंगे और पीछे ले जा करके जितना हो सके वाइडली उसको स्ट्रेच करेंगे, फिर हम उसको आगे अपनी बॉडी की तरफ पुल करेंगे एंड धीरे धीरे उसको पीछे जाने देंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे वो बेसिकली हमारी फ्रंट ऑफ चेस्ट की स्ट्रेचिंग और अपर बैक की मोबिलिटी के लिए है। इस एक्सरसाइज के लिए हमें एक स्टूल की जरूरत पड़ेगी और दो टॉवल्स की जरूरत पड़ेगी। उस स्टूल को हमने दीवार के साथ लगा करके रखना है और उस पे ऐसे बैठना है कि हमारी एक पूरी साइड वॉल को टच हो। हमने वॉल और नी के बीच में और दोनों नीज के बीच में एक एक टॉवल रोल लगाना है ताकि मूवमेंट के दौरान हमारी लोअर बॉडी बिल्कुल भी मूव ना करे। अब सबसे पहले हम अपनी दीवार के साथ वाले हाथ को दीवार के ऊपर सीधा रखेंगे और अपने दूसरे हाथ को उस हाथ के ऊपर मिला करके रखेंगे। अब धीरे धीरे हमने बाहर की साइड वाले हाथ को दीवार से दूर लेकर के जाना है और अपर बैक को रोटेट करते हुए और फ्रंट ऑफ द चेस्ट को स्ट्रेच करते हुए दूसरी साइड से जाकर के दीवार को टच करना है एंड धीरे धीरे फिर हम वापस आएंगे। इस एक्सरसाइज को हम दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम स्टूल पे बैठे हैं तो हमारे आगे और पीछे सफिशेंट स्पेस अवेलेबल हो दीवार पे ताकि हम इस एक्सरसाइज को ईजिली कर सकें। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे शोल्डर की मोबिलिटी के लिए है। इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग पोजीशन हमारी पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है। इस एक्सरसाइज में हम दीवार के साथ वाले हाथ को दीवार पर लगा करके रखेंगे और दूसरे हाथ को अपनी कमर में रखेंगे। अब धीरे धीरे दीवार के साथ साथ एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अपने हाथ को पीछे लेकर के जाएंगे। जितना स्लोली एंड इजिली इस मूवमेंट को हम करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। एंड ये हमें ध्यान रखना है कि जो टॉवल्स हमारे नीज और दीवार के बीच में है वो टॉवल्स गिरे नहीं, उन टॉवल्स को हमने मेंटेन रखना है ताकि जो भी मूवमेंट हो रही है वो आपके अपर बैक और शोल्डर पे हो। एक तरफ से करने के बाद इस मूवमेंट को हमने दूसरी तरफ से रिपीट करना है। तो ये चार बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं
जिससे आप अपने शोल्डर्स और अपर बैक के पेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।